हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अजय बंसल एंड वेलकम बैक टू आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना कॉमर्स स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम फिर से एक बार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं जिसका नाम है रिसोर्स प्लानिंग। दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 10 SST। इसमें हम बात करेंगे व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। Then we will talk about why we need resource planning, and after that we will talk about what are the steps or the process of resource planning. मतलब इस वीडियो में हम resource planning के बारे में एक डिटेल एंड short और डिटेल हम दोनों जगह कह सकते हैं चर्चा करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि what is the meaning of resource planning. तो चलिए start करते हैं students. सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। तो रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है? बच्चा बोल रहे हैं कि रिसोर्स प्लानिंग रेफर्स टू स्किल्स एंड मेथड्स इंप्लीमेंटेड टू प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। इट रेफर्स टू मेक अ प्लान टू जुडिशियस यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस। मतलब अगर हम आपसे बात करें कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, तो इट इज वेरी सिंपल। रिसोर्स प्लानिंग का मतलब कि ऐसे मेथड्स एंड स्किल्स का इस्तेमाल करना जिससे हम अपने रिसोर्सेज का इफेक्टिव एंड एफिशिएंट क्या कर सके, इस्तेमाल कर सके। बोल रहे हैं अपने स्किल्स एंड मेथड्स का इस तरीके से इस्तेमाल करना कि हम अपने रिसोर्सेज को जुडिशियस वे में, जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उनको क्या कर सके, इस्तेमाल कर सके। मतलब फिर से हम आपको बोले कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, दैट मीनिंग ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इज टू यूज द रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट इट कैन डेवलप द नेशन बट डू नॉट हार्म द एनवायरमेंट। ओके, तो इस तरीके का एक प्लान तैयार करना रिसोर्सेज को लेके, इट इज कॉल्ड रिसोर्स प्लानिंग। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट बात आती है व्हाट व्हाई वी नीड द रिसोर्स प्लानिंग, वे रिसोर्स प्लानिंग के नीड क्यों होते हैं। चलिए इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। रिसोर्स प्लानिंग की नीड होती है हमारे लिए फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है उस डेवलपमेंट को सस्टेन करने के लिए, आगे वाली जनरेशन तक अपने रिसोर्सेज को पहुंचाने के लिए हमें रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत होती है। बोलना वी नीड रिसोर्स प्लानिंग बिकॉज फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे यहाँ जो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, एक्सेसिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, उनको कंजर्व करने के लिए हमें रिसोर्सेज की नीड होती है। बच्चा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो हमें कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए 4 R's का इस्तेमाल करना चाहिए। 4 R's कौन कौन से हैं? रिड्यूस, रीयूज, रिन्यू और रीसाइकल। तो हमें कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए रिसोर्स प्लान की जरूरत पड़ती है ताकि कम से कम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके अपनी नीड्स को फुलफिल किया जा सके। बोलने वी नीड रिसोर्स प्लानिंग फॉर रिड्यूसिंग वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। आज के टाइम में जो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, इनडिस्क्रिमिनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो हो रहा है, एक्सेसिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, उसको खत्म करने के लिए, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को खत्म करने के लिए रिसोर्स प्लानिंग की नीड होती है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, यूजिंग द रिसोर्स इन सच अ वे कि उनका अच्छे से इस्तेमाल किया जा सके। इस तरीके का प्लान बनाना रिसोर्स प्लानिंग कहलाता है। रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत हमें क्यों होती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को रिड्यूस करने के लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नीड होती है, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की जरूरत होती है, रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत होती है। आप समझ सकते हैं। नाउ हम बात करते हैं व्हाट आर द स्टेप्स फॉर प्रोसेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। मतलब जब भी हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ प्लानिंग की, देन प्लानिंग का मतलब होता है प्रोसेस, एंड प्रोसेस का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी चीज जिसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होती है वही क्या कहलाती है, प्रोसेस कहलाती है। तो रिसोर्स प्लानिंग की जब आप बात करते हो, रिसोर्स प्लानिंग की भी कोई प्रोसेस हुआ करती होगी। तो रिसोर्स प्लानिंग के बारे में क्या बोलना है, रिसोर्स प्लानिंग के बारे में बोलना है कि रिसोर्स प्लानिंग इज अ प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है स्टेप्स, तो उन्हीं स्टेप्स को पढ़ते हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स वी हैव टू फॉलो टू प्लान द रिसोर्सेज। रिसोर्स प्लानिंग के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? तो जो फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसोर्स प्लानिंग है, आइडेंटिफाई एंड इन्वेंटरी द रिसोर्सेज अवेलेबल
abdomen across, abdomen across the region. It includes survey, mapping, qualitative and quantitative estimation and measurement of resources. What is the first step of resource planning? Resource planning की सबसे पहली step है कि हमें अपने region में जहां भी हम रहते हैं उस region में सबसे पहले resources को identify करना है, उनकी inventory को identify करना है, या कह सकते हैं उनकी inventory देखनी, उनका stock देखना है, हमारे पास कितना है। उसके बाद हमें उनके survey करना है, उनकी मैपिंग करनी है कहाँ कहाँ पे, उनकी क्वालिटी क्या है, उनकी क्वांटिटी क्या है, उनका मेजरमेंट करना है, किसका रिसोर्स प्लानिंग। मतलब रिसोर्स प्लानिंग की पहली स्टेप क्या है कि रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना, इन्वेंट्री करना, मैपिंग, सर्वे, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मेजरमेंट करना, ये फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। देन व्हाट इज द सेकंड स्टेप ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, टेक्नोलॉजीज की नीड होती है, स्किल्स की नीड होती है, हमें इंस्टीट्यूशंस की नीड होती है, इन नेचुरल एनवायरनमेंट की जरूरत, सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ा था। तो वही कह रहा है कि रिसोर्स प्लानिंग की सेकंड स्टेप कहती है कि हमें ऐसा प्लानिंग स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना है, हमें ऐसा प्लानिंग स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना है जिसमें एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया हो, एप्रोप्रिएट स्किल्स का इस्तेमाल किया गया हो, जिसमें एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप हो जिसका इस्तेमाल रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, हमें इंप्लीमेंट करने के लिए किया जा सके। मतलब कि एक ऐसा प्लानिंग स्ट्रक्चर तैयार करना जिसमें एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल्स, इंस्टीट्यूशनल सेटअप हो जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान में हेल्प कर सके। ठीक है, नाउ व्हाट आर द थर्ड स्टेप ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, जस्ट रिसोर्स प्लानिंग की थर्ड स्टेप कहती है मैच द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद नेशनल डेवलपमेंट प्लान। रिसोर्स प्लानिंग का थर्ड स्टेप कहता है कि हमें रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को क्या करना है, नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ समन करना है, मैच करना है। मतलब हमें अपना रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान इस तरीके का बनाना है जिससे हमारा नेशनल डेवलपमेंट भी हो सके, हो गया ना। चलिए एक बार फटाफट सोचते हैं, हम लोग इसको सारे के सारे टॉपिक रिवाइज करते हैं। हमने बात की व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, जो रिसोर्स प्लानिंग का मतलब बताया था कि इंप्लीमेंट स्किल्स एंड मेथड्स को इंप्लीमेंट करना ताकि हम अपने रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकें, रिसोर्सेज हमारे पास अच्छे से प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए अच्छे से स्किल्स एंड मेथड्स का इस्तेमाल करना। नाउ हमने बात की व्हाई वी नीड रिसोर्स प्लानिंग, तो क्या हमने बात की थी रिसोर्स प्लानिंग की हमें नीड होती है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज रिड्यूस, रीयूज, रिन्यूएबल एंड रिसाइकल जैसे कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करने के लिए, रिसोर्स प्लानिंग की नीड होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, एंड द रिसोर्स प्लानिंग की वी नीड रिसोर्स प्लानिंग फॉर रिड्यूसिंग वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग को करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने के लिए, तो बच्चे हमने यहाँ पे बात की थी कि रिसोर्स प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए पहली स्टेप फॉलो करनी है रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना, उनकी इन्वेंटरी को आइडेंटिफाई करना है, देन उसके बाद उसकी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करना है, उनका सर्वे करना है, मैपिंग करनी है जहाँ जहाँ पे रिसोर्सेज हमें देखने को मिलते हैं। देन बच्चे हमने बात की थी कि सेकेंड स्टेप ऑफ रिसोर्स प्लानिंग कहती है एक ऐसा प्लानिंग स्ट्रक्चर तैयार करना है जिसमें प्रॉपर टेक्नोलॉजी, स्किल्स एंड इंस्टीट्यूशंस की बात की गई, विच कैन हेल्प अस टू डेवलप द रिसोर्सेज। ठीक, नाउ लास्ट स्टेप कहती है रिसोर्स प्लानिंग की, लास्ट स्टेप ऑफ रिसोर्स प्लानिंग की हमें अपने रिसोर्स प्लान इस तरीके से तैयार करनी है, अपने रिसोर्स प्लानिंग इस तरीके से करनी है कि रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के साथ साथ हमारी कंट्री का भी डेवलपमेंट हो, हमारे नेशन का भी डेवलपमेंट हो। सो थैंक यू सो मच, जो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कमेंट। थैंक यू सो मच।